हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपिका भाकर फ्रॉम चरखी राजरी। वेलकम ऑल ऑफ यू एट ए बिग प्लेटफॉर्म कैप्टन जिले सिंह एकेडमी। हम सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम फाइट करना है। उसके लिए हम तैयारी करने के लिए एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेटर प्रिपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक जनरल टॉपिक है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, मेडिकल या फिर ये कहें कि साइंस, अगर उसमें पूछा जाता है तो ऑब्वियस ही बात है उस टॉपिक से बहुत सारा हमारा क्वेश्चंस हैं वो बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आजकल भी एक पेंडेमिक डिजीज़ COVID-19 जो है उसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, लेकिन उस सबको देखते हुए हमने अपनी पढ़ाई है उसको भी रेगुलर रखना है, और एक चीज़ और दिमाग में रखनी है हमने कि जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो होते हैं जिस एग्ज़ाम में आते हैं, उसके लिए हमारा COVID-19 तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पास्ट में जितनी भी पेंडेमिक डिजीज़ हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर आई हैं, उन सब के बारे में भी जानना ज़रूरी है। कुछ ट्रेजडीज़ हैं जो हमारी अर्थ पे हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, इंडिया से बाहर हुई हैं, उन सब के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पेंडेमिक का ऐसी कोई सिचुएशन जब चलती है तो जो एग्ज़ामिनर होता है, पेपर बनाने वाला, जो एग्ज़ाम बनाने वाला जो होता है, उसके लिए वो करंट टॉपिक तो फेवरेट होता ही होता है, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड पीछे पास्ट में जो भी हैपनिंग हुई है वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। अपना आज का टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। टॉपिक का नाम क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है वो बायलिंगुअल है। ठीक है, जिस स्टूडेंट को हिंदी में उसको समझना है वो हिंदी में यहाँ से पढ़ सकता है उसको, और इंग्लिश में भी वो मैंने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, और ये मान के चलें आप, वो हमारा नीट का एग्ज़ाम है, चाहे वो MNS का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इवन कोई भी वो हमारा, चाहे गेट का एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, हर किसी एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक स्टोरी की तरह हम इसको समझेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पजल होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। देखो, ऑन द नाइट ऑफ December 2, ठीक है, डेट क्या है यहाँ पे, क्या डेट दी गई है? December 2, ये याद रखनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1984, thousands of people lost their lives due to the buffer of poisonous gas in a factory in Bhopal. ठीक है, 2nd of December 1984 को एक फैक्ट्री के अंदर, जो फैक्ट्री भोपाल में सिचुएटेड थी, उस फैक्ट्री के अंदर एक पॉइजनस गैस बाहर निकली, एक पॉइजनस गैस रिलीज हुई, लीकेज होगी, और उसकी वजह से वो गैस क्या है, चारों तरफ फैल गई। ठीक है, उसके बाद इस डेट में जो ये इंसिडेंस हुआ, इसको नाम दिया गया भोपाल गैस ट्रेजडी। क्या नाम दिया गया? भोपाल गैस ट्रेजडी। अब देखो, भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए हमने याद रखना है, सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है? 2nd of December, ठीक है, 1984, 2nd of December 1984 को ये हैपनिंग हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमने क्या है, इसकी डेट को याद रखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फैक्ट्री? ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि देखो, हमने ये पता लगा लिया भोपाल गैस ट्रेजेडी किसको कहा जा रहा है। ठीक है,
कि एक भोपाल में फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक गैस है, पॉइजनस गैस, उसकी लीकेज हुई, और उस लीकेज वाली उस सिचुएशन या फिर उसके बाद जो कुछ भी हैपनिंग वहाँ पे हुई, उसको नाम दिया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखो जो फैक्ट्री भोपाल में सिचुएटेड थी जिसके अंदर ये सब हुआ, उस फैक्ट्री का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, क्या नाम है उस फैक्ट्री का? यूनियन कार्बाइड। सबसे पहला हमने डेट को याद रखना है, ठीक है, नंबर टू हमने इस फैक्ट्री के नेम को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसको यूनियन कार्बाइड जो है इसको डॉ केमिकल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? डॉ केमिकल, ध्यान रखना है। डॉ केमिकल का कहीं भी जिक्र आता है तो वो क्या है? हमारा यूनियन कार्बाइड। ठीक है, बहुत कार्बन की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसके लिए एक कॉमन नेम दिया गया, वो क्या है? डॉ केमिकल्स। तो फर्स्ट स्लाइड से हमने क्या क्या याद रखना है? डेट को याद रखना है, जगह को याद रखना है जो कि भोपाल है, तीसरा हमने यहाँ पे फैक्ट्री जो है उसके नाम को याद रखना है। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट, विच पॉइजनस गैस लीक्स। देखो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया है? विच पॉइजनस गैस रिलीज, के ऐसी कौन सी गैस थी जिसके रिलीज होने से ही उसको एक ट्रेजेडी का नाम दे दिया गया। ठीक है, गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स इन दिस प्लांट इन भोपाल, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी उस फैक्ट्री के अंदर जिसकी लीकेज होगी, कब हुई? 2 दिसंबर 1984 में उसकी लीकेज हुई, गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और वो गैस वहाँ थी क्यों, है ना, फैक्ट्री में उस गैस को रखा क्यों गया था, वहाँ पे उसको स्टोरेज की फॉर्म में क्यों यूज़ कर रहे थे? क्योंकि वो फैक्ट्री जो थी वो एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी, जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए उस गैस का यूज किया जा रहा था वहां पे। ये क्या है? एक पॉइजनस गैस है। कैसी गैस है ये? पॉइजनस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें याद रखना है वो क्या है? इफ गैस इज फाउंड इन द एयर एट द रेट ऑफ 21 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, कितनी अमाउंट? 21 पार्ट पर मिलियन, देन इन ए मिनट 1000 ऑफ पीपल कैन बी किल्ड। सोच सकते हैं आप लोग कि ये कितनी ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है, कि अगर 21 पार्ट पर मिलियन, एक मिलियन में अगर सिर्फ 21 पार्ट्स, एक मिलियन मॉलिक्यूल है कंप्लीट एयर का या फिर गैस का मिक्सचर का, उसमें से अगर सिर्फ 21 पार्ट्स भी अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को विद इन वन मिनट, एक मिनट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल कर सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भोपाल के अंदर ये गैस लीक हुई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भोपाल है उसका शहर का बहुत बड़ा एक एरिया है वो अफेक्टेड हुआ, और आज भी वहाँ पे उस गैस का अफेक्ट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आज भी उस गैस का अफेक्ट उस एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम गैस आर इन द ग्रिप ऑफ सम डिजीज। ये देखो ग्रिप यानी कि पकड़ होती है ना, उस गैस का इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट है कि अब सेकंड और थर्ड जनरेशन आ गई है, ये लगा लो अगर सेकंड और थर्ड जनरेशन अगर वहाँ आती है या प्यूपल्स हैं वो वहाँ पे अपनी जनरेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे
सेकेंड और थर्ड जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हैं वो भी बहुत सी डिजीज के ग्रिप में होंगे, पकड़ में होंगे, यानी कि उनको जेनेटिकली या इनबोर्न भी बहुत सारी डिजीज हैं वो होंगी उन बच्चों को भी, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन आर स्टिल बोर्न मेंटली वीक, ठीक है। आज भी वहाँ पे जितने सारे जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं, मेंटली हैं वो, वीक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हाउ मैनी प्यूपल्स डाइड, कितने प्यूपल्स हैं उनकी डेथ हुई है, वो क्या है, 5000 प्यूपल्स आर डाइड, उस टाइम 5000 लोग मारे गए थे, ठीक है। बट इट इज़ बिलीव दैट मोर देन 15000 पीपल डाइड इन दिस एक्सीडेंट। हमारी गवर्नमेंट ने हमें डाटा दिया कि 5000 मरे थे, बट अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 15000 से भी ज़्यादा पीपल हैं उनकी उस इंसिडेंस में डेथ हुई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, सबसे पहले हमने पढ़ा कब, ठीक है, वहन, सेकेंड हमने पढ़ा वेहर, ठीक है, थर्ड हमारी चीज थी बाय विच, ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज थी अफेक्ट, ठीक है। अब हम इस ट्रेजेडी के इंसिडेंस की हैपनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। इट इज सेड दैट वाटर वॉज फाउंड इन ए फैक्ट्री टैंक पॉइजनस गैस मिथाइल आइसो साइनाइड, दिस वॉज फॉलोड बाई ए केमिकल प्रोसेस एंड प्रेशर ऑन द टैंक, ठीक है। द टैंक ओपन एंड गैस लीक ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या था कि वो गैस भरी हुई होती थी, गैस को स्टोर रखते थे, उससे पेस्टिसाइड बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता था, और पानी डाल के और उससे पेस्टिसाइड से उसकी फॉर्मेशन की जाती थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो पानी डाला गया, उस पानी के अंदर भी ऐसा कुछ गैस या केमिकल मिक्स्ड था, जिसकी वजह से उस स्टोरेज टैंक, जिस टैंक के अंदर गैस को स्टोर करके रखा गया था, कौन सी गैस को, सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सी गैस को स्टोर करके रखा गया था उस टैंक के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कौन सी गैस है उसको स्टोर करके रखा गया था, जिसकी लीकेज की वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी है वो हुई, ठीक है। सभी मुझे बताएंगे कौन सी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी गुड। अब देखिए उसकी वजह से क्या हुआ, पानी मिलाया गया तो प्रेशर है वो बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या है कि लीकेज वहां पे हुई ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। किसकी वजह से हैपनिंग की रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इससे आगे कि जो फैक्ट्री है हैड एन अलार्म सिस्टम, फैक्ट्री के पास एक अलार्म सिस्टम भी लगा रखा था, क्योंकि देखो जब इतनी पॉइजनस गैस को या फिर ऐसे केमिकल्स को जब वो रखते हैं तो उनकी लीकेज से बचाने के लिए या फिर अलर्ट करने के लिए कुछ अलार्म्स भी हर जगह लगाए जाते हैं, है ना। फायर के लिए जो लगाए जाते हैं वो हमने ज़्यादातर देखे हुए होते हैं, तो उसमें अलार्म भी लगा हुआ था, बट इट ऑल्सो रिमेन न्यूट्रल फॉर आवर्स, लेकिन उस गैस का अफेक्ट इतना था उस एनवायरनमेंट में कि घंटों तक वो भी न्यूट्रल रहा, अलार्म है वो भी न्यूट्रल रहा, वो भी अलर्ट नहीं कर पाया, अपना काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाया, ठीक है। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाई गैस केम टू द हॉस्पिटल कंप्लेनिंग ऑफ आई एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। क्या हुआ कि जब वो गैस निकल गई, गैस बाहर आई, तो बहुत से पीपल हैं वो हॉस्पिटल्स में गए, हॉस्पिटल्स में वो किस लिए गए कि उनकी आंखें जो थी उसमें जलन हो रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई देना बंद हो गया था, उसके साथ साथ उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स हैं वहाँ पे जनरेट हुए, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि जो पेशेंट या फिर जो प्यूपल अफेक्ट हुए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से, उनमें कौन से सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले दिखाई दिए थे, विच सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एट फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो कौन से थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और आइज इरिटेशन, ठीक है।
डॉक्टर डिड नॉट इवन नो हाउ टू ट्रीट दिस डिजास्टर. जैसे आज कोविड को लेके हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो वरी हैं, है ना, उनको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस वायरस से बाहर निकला जाए, इसके अगेंस्ट है कोई भी वैक्सीन है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाए. ठीक है, सभी हैं वो कोशिश कर रहे हैं. उसी तरह उस टाइम भी डॉक्टर्स ने कोशिश की कि इस डिज़ास्टर को कैसे ट्रीट किया जाए, बट वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है. फिर देखो इसके बाद द नंबर वॉज ऑल्सो सो हाई, और जो प्यूपल्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, उनका नंबर है, काउंट है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था. जैसे आज कोविड के पेशेंट्स का बढ़ता जा रहा है कि आज 100 पेशेंट हैं, कल 200 मिले हैं, फिर 600 तक थाउजेंड्स की काउंट में पहुंच गए हैं. एज इट इज़ वहाँ भी क्या है, प्यूपल्स है वो बढ़ता जा रहा था. वेयर डिड द मिस्टेक हैपन, सभी सोच रहे थे कि मिस्टेक कहाँ पे हुई, गलती किससे हुई है इतनी बड़ी ट्रेजेडी के लिए. मैनी ऑफ फैक्ट्रीज सेफ्टी इक्विपमेंट्स वेदर वर नाइदर इन गुड कंडीशंस नॉर अदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर फॉलोड. ठीक है, जो फैक्ट्री थी उसके अंदर सेफ्टी जो फीचर्स होते हैं वो सारे फॉलो नहीं किए गए थे, और जो इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं थे. ठीक है, अब जैसे देखो जो फायर से बचाने के लिए CO2 NO2 इन गैसेस का मिक्सचर रखा जाता है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं. अलार्म है वो भी सेफ्टी इक्विपमेंट था, है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक गुड कंडीशन में नहीं थी. ठीक है, जिसकी वजह से ये सब हुआ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल द मैनुअल्स केप्ट फॉर सेफ्टी इन द फैक्ट्री वर इन इंग्लिश. सबसे बड़ी बात देखिए कि सारे के सारे जो मैनुअल थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, इंग्लिश लैंग्वेज में थे. लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉई है वर्किंग इन द फैक्ट्री हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी. ऑल्सो द एयर वेंट क्लीनिंग पाइप हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, और जो एयर क्लीनिंग पाइप होता है, ठीक है, ऐसे एरियाज में हवा को क्लीनिंग करने के लिए, जैसे हम रूम में वेंटिलेटर को छोड़ते हैं, ऊपर वेंटिलेटर के लिए स्पेस होता है, एज इट इज़ वहाँ भी कुछ पाइप्स लगाए जाते हैं कि ज़्यादा एयर अंदर एंटर कर जाए तो उसका प्रेशर बढ़े नहीं, बाहर और अंदर और बाहर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती रहे और वो प्रेशर है वो मेंटेन रहे. ठीक है, लेकिन वो पाइप है उसने भी काम करना बंद कर दिया था. टैंक वॉज फिल्ड विद मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस. तो क्या हुआ, जब वो पाइप है वो स्टॉप हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसके अंदर भरने लगी, और जैसे जैसे गैस बढ़ती गई टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री तक चला गया इंस्टेड ऑफ द प्रिस्क्राइब 4.5 डिग्री. देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये डीपली पूछा गया पॉइंट होता है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. क्या कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है उसको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर कितना होता है, 4.5 डिग्री, कितना होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस. लेकिन पाइप की लीकेज की वजह से टेम्परेचर है वो कितना पहुंच गया था, 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया था, 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वो चला गया था. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए फ्रीजिंग प्लांट डिजाइन टू कीप माइक एट ए कूलिंग लेवल वॉज ऑल्सो क्लोज टू रिड्यूस पावर बिल्स. देखो अब जो फैक्ट्री का मालिक था यहाँ, उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की कि फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह होते हैं, तो जैसे देखो जब इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी तो बिल वगैरह है वो भी ज़्यादा आएगा. तो उससे बचने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने क्या कर दिया था कि वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट था, क्या इंस्ट्रूमेंट था, माइक, MIC. ठीक है, मिक भी बोल सकते हैं इसको, इसको उसने क्लोज कर दिया था. और ये मिक करता क्या था, ये कूलिंग लेवल है उसको बना के रखता था, यानी कि जो हमने टेम्परेचर पढ़ा 4.5 डिग्री सेल्सियस जो स्टोरेज टैंक का होना चाहिए था, इस टेम्परेचर को मेंटेन किसके थ्रू रखा जाता था, MIC, मिक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू, इसको एक डिवाइस है ये, उसके थ्रू इसको रखा जाता था 4.5 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको, पावर बिल को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जो ओनर थे उन्होंने इसको बंद कर दिया, तो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं हो पाया. व्हाई इज द इशू स्टिल डिस्कस्ड? देखो, ये एक ट्रेजरी है जो बहुत पहले हुई, लेकिन आज भी हम इसको डिस्कस करते हैं और आगे भी इन फ्यूचर करते रहेंगे. हमारे एग्जाम्स में आज भी इसमें से क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा क्यों क्यों आता है ये? द पीपल अफेक्टेड बाय द गैस हैव नॉट येट रिसीव्ड प्रॉपर कंपनसेशन नॉर हैव जस्टिस बीन रिसीव्ड. ठीक है, उस टाइम जितने भी लोग हैं वहाँ, जितने भी पीपल्स थे अफेक्टेड हुए, ना तो उनको कंपनसेशन मिला और ना ही उनको जस्टिस मिला. ठीक है, तो इसलिए इसको हम आज तक भी याद रखते हैं. इसके साथ साथ एक दूसरा रीज़न और भी है इसको याद रखने का. ठीक है, वो क्या है कि उस गैस का अफेक्ट आज भी वहाँ पर है. वहाँ आज भी जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, आज भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ जो प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर उस गैस का अफेक्ट देखा जाता है. उनकी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे आज भी वहाँ पे हम अफेक्ट देखते हैं. इसलिए ये इस टाइम तक भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है. ठीक है, अब देखो, जो मैनेजिंग ऑफिसर थे, कंपनी है उसके मैनेजिंग ऑफिसर थे, वो कौन थे? वारन एंडरसन. ठीक है, ऑफिसर फ्लीड इंडिया फ्रॉम द यूएस आफ्टर द इंसिडेंस. ठीक है, जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, जो मैनेजिंग ऑफिसर थे वारन एंडरसन, इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये नाम नीट सॉरी एमएनएस का जो एग्ज़ाम होता है, उस टाइप के एग्ज़ाम्स, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एमएनएस का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है नाम. ठीक है, तो ये जो मैनेजिंग ऑफिसर थे ये इंडिया को छोड़ के यूएस में भाग गए थे. ठीक है, यूएस में चले गए. ऑन अब देखो, ये तो था क्या हमारा एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसी ही एक ट्रेजेडी और हुई थी. ठीक है, उसके जितनी भयानक, उसके जितना तो नहीं था, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंस रखती है. ये हमारी एक दूसरी ट्रेजेडी है. ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी. ठीक है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री है, एलजी पॉलीमर लिमिटेड. ठीक है, उसके अंदर 7 मई में एक टॉक्सिक गैस रिलीज हुई, जिसकी वजह से 15 पीपल्स हैं उनकी डेथ होगी. ठीक है, अब देखो, वहाँ भोपाल गैस ट्रेजरी है, उसके अंदर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस रिलीज हुई थी. विशाखापट्टनम में जो ट्रेजडी हुई उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई है? स्टाइरीन गैस. कौन सी गैस रिलीज हुई है? स्टाइरीन गैस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों के दोनों. ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजडी में कौन सी गैस रिलीज हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड. विशाखापट्टनम गैस ट्रेजडी जो है उसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई है? स्टाइरीन गैस है वो रिलीज हुई है. भोपाल वाली जो फैक्ट्री थी उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन की जाती थी, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, लेकिन विशाखापट्टनम वाली जो फैक्ट्री है वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी. एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी है वो, उसका नाम था. ठीक है, तो देखो, हम आज दो ट्रेजडी, एक हम पढ़ चुके हैं भोपाल और एक हम ये विशाखापट्टनम वाली पढ़ रहे हैं. विशाखापट्टनम वाली कब हुई थी? 7 मई को. और भोपाल वाली कब हुई थी? 2 दिसंबर को. ये चीज़ हमने याद रखनी है. ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टाइरीन गैस? देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना सभी. ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. स्टाइरीन गैस इज एन ईजीली डिजोल्व गैस विद ऑक्सीजन. ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है. यहाँ से जरूरी नहीं है वो इस ट्रेजेडी को लेके ही पूछे. ठीक है, वो डायरेक्टली ये डाल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एन ईजीली डिजोल्व गैस इन वॉटर. नीचे वो ऑप्शन दे देगा. ठीक है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो दे दिया, उसके साथ स्टाइरीन है वो दे दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टाइरीन. ठीक है, इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है. ठीक है, स्टाइरीन गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, दिस गैस इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक आइटम्स. ठीक है, अब देखो, विशाखापट्टनम वाली ट्रेजेडी को याद कर रहे हैं,
तो भी हम क्या याद कर सकते हैं कि कौन सी गैस, स्टाइरीन गैस। और नॉर्मली भी हमसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक फैक्ट्री जो होती हैं उसमें कौन सी गैस है उसका यूज़ किया जाता है, स्टाइरीन गैस का यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। एक्सपोजर टू ईच हैज़ ए बैड अफेक्ट ऑन द लंग्स। किस पे अफेक्ट? लंग्स पे। सीवर, बर्निंग सेंसेशन इन द आईज, ठीक है। अब देखो, हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी पढ़ा और यहाँ हम इसको भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं। इसने भी किसको अफेक्ट किया? लंग्स को अफेक्ट किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी है, उसने भी लंग्स को अफेक्ट किया। वहाँ हमने क्या सिम्टम पढ़ा था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या पढ़ा था? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेना, मतलब अच्छे से खुल के सांस अंदर नहीं ले जा पा रहे थे वो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लंग्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जो हमारी डायफ्राम की जो एक्टिविटी है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसको इसने अफेक्ट किया। तो दोनों ही गैसेस ने आईज पे और लंग्स पे अफेक्ट डाला। कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेन एंड रीड बोन्स, ठीक है। जो बोन्स, हड्डियों में भी प्रॉब्लम, जो हमारी वर्टिब्रल रीड्स होती हैं, बोन्स होती हैं, सॉरी वर्टिब्रल बोन्स हैं, उनमें भी पेन, और ब्रेन है उसमें भी डिस्कम्फर्ट है, लोगों को फील हो रहा था, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इफ गैस रिमेन्स इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर बॉडी के अंदर गैस, कौन सी गैस, यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है, सभी फटाफट कमेंट में लिखेंगे यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है। ये जो इफ गैस रिमेन्स, तो ये कौन सी गैस है वो बॉडी में रिमेन कर रही है, फटाफट सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि कौन सी गैस, ताकि मुझे पता लगे आप कितना अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी गैस है वो रिलीज हो रही थी यहाँ पे? स्टाइरीन गैस। कौन सी गैस? स्टाइरीन, वेरी गुड। Then it is also affect the liver, ठीक है। अब देखो, अगर ये और ज़्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर रह जाती है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक अगर ये बॉडी के अंदर रह जाती है, तो ये लीवर हमारे लंग्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना भी स्टार्ट कर देती है, वो क्या है, हमारा लीवर, ठीक है। स्टाइरीन कंबाइंड विद एयर टर्न्स इनटू पॉइजनस गैस। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ हमने याद रखनी है, क्या देखो, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, तो ये क्या है, ये खुद में ही कैसी है, पॉइजनस है। कैसी है? खुद में ही पॉइजनस है। कैसी गैस है? अपने आप में ही पॉइजनस गैस है। बट जो हमने ये स्टाइरीन गैस पढ़ी है, ये खुद में पॉइजनस नहीं है। ये पॉइजनस कब बनती है? जब ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है। जब ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, उसके बाद ये कैसी बन जाएगी? पॉइजनस बन जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, स्टाइरीन गैस है वो अकेले पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो हम उसको सेपरेट तो रख नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में तो एयर ऑलरेडी आती जाती रहती है, ट्रांसपोर्ट है वो होती रहती है। तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी को वो अफेक्ट करेगी, अफेक्टिंग द ब्रेन एंड स्पाइन, ठीक है। ब्रेन और हमारा जो स्पाइन है, ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं उसको, ये इसने अफेक्ट किया। और अगर ये ज़्यादा देर बॉडी में रहती है तो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कि हाउ डिड द इंसिडेंस हैपन, इंसिडेंस है वो कैसे हुआ। दिस गैस रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट लाइक वॉटर, ठीक है। जब इस गैस को 20 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, कौन सी गैस को? स्टाइरीन गैस को। देखो, जरूरी नहीं है हमारे लिए ये क्वेश्चंस है वो भोपाल गैस ट्रेजरी नाम से ही पूछा जाए, विशाखापट्टनम ट्रेजरी के नाम से ही पूछा जाए। ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से इस टॉपिक को निकाल के भी पूछा जा सकता है कि स्टाइरीन गैस को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से, मतलब स्टाइरीन गैस किस टेम्परेचर पे, कौन सी स्टेट में रहती है ना। तो 20 डिग्री टेम्परेचर तक ये किस स्टेट में रहती है? लिक्विड स्टेट में रहती है। ड्यू टू टेक्निकल फ्लो द टेम्परेचर ऑफ स्टाइरीन कैप्ट इन द टैंक वेंट अबाउट 20 डिग्री एंड टर्न इनटू गैस, ठीक है, एंड लीक्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या हुआ, टेम्परेचर है वो बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है।
टेम्परेचर इंक्रीज होने से, हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, गैस में। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोल्ड इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दैट गैस लीक्ड ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अटैच्ड टू द स्टाइरीन कैप्ड इन द टू टैंक्स। जो दो टैंक्स हैं उसके अंदर स्टाइरीन फिल करके रखी गई थी, तो स्टार्टिंग में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने ये बताया कि ये गैस है ये टेक्निकल फॉल्ट इन रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटर था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखते थे इसको लिक्विड फॉर्म में, रहे ये गैस फॉर्म में आते ही तो गैस क्या होती है उसका डिफ्यूज़न रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट और बहुत इजीली फैल जाती है, इसीलिए उसके इस डिफ्यूज़न को प्रिवेंट करने के लिए लिक्विड की फॉर्म में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो किस में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी और डिफ्यूज़न है वो स्टार्ट हो गया। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ा, टेक्निकल फॉल्ट इन रेफ्रिजरेटर है उसकी वजह से, ठीक है। अब देखो जी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये यहां से कटा हुआ है, ये क्या है एलजी पॉलीमर, क्या है ये एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एलजी पॉलीमर इंडिया इज ए साउथ कोरियन केमिकल कंपनी एलजी कैम, ठीक है, याद रखना है इसका नाम, वहां पे डाओ केमिकल भी नाम उसको दिया गया था और यूनियन कार्बाइड, ये किसका नाम है यूनियन कार्बाइड, किसका नाम है सभी कमेंट में फटाफट मुझे बताएंगे, यूनियन कार्बाइड और डाओ केमिकल किसका नाम है, कहाँ हमने इस चीज़ को पढ़ा, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई भोपाल में जो फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री का नाम है ये, ठीक है, और विशाखापट्टनम में जिस जगह जिस फैक्ट्री में इंसिडेंस हुआ ट्रेजेडी हुई उसका नाम क्या है एलजी कैम, क्या नाम है एलजी कैम, और ये किसके साथ टाई अप है कोरिया के साथ, ठीक है, कोरियन केमिकल्स कंपनी है एलजी कैम, उसके साथ टाई अप है एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इंडिया में इस कंपनी का नाम क्या है एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कहाँ पे ट्रेजेडी हुई, यहाँ पे हुई और भोपाल में इसमें हुई, ठीक है, ये एक ही नाम है, एक ही फैक्ट्री है उसके, ये दो नाम दिए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी और विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी जो है वो खत्म हो गई है। अब सबसे पहला देखो यहाँ एक छोटा सा फ्लो कंपैरिजन हम पढ़ते हैं, हमने क्या याद रखना है, सबसे पहले डेट को याद रखना है, 7 मई है उसमें कौन सी हुई थी विशाखापट्टनम वाली ट्रेजेडी हुई थी, और 2 दिसंबर 1984 में क्या था वो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो हुई थी। गैसेस कौन कौन सी थी, ठीक है, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, है ना, और जो हमारी विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी जो हुई उसके अंदर कौन सी स्टाइरीन गैस है वो गैस इंक्लूडेड थी, ठीक है। देखो जो ये चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसके मेरे बोलने से पहले जिसके माइंड में ये चीज़ें आती जा रही हैं, आंसर्स क्लिक करते जा रहे हैं, वो फटाफट कमेंट में भी मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा वीडियो को क्लास को देख काफ़ी बच्चे रहे हैं, अटेंड काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, बट एक्टिव बहुत कम होते हैं, है ना, 2 से 4, 5, 6 बच्चों के ही हमें कमेंट्स या फिर डाउट्स मिल पाते हैं। जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे हमें कैसे पता लगेगा आपको समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। तो कोशिश करें कमेंट्स के थ्रू, डाउट्स के थ्रू, व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रहें, ताकि जो टॉपिक जो चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया वो आपने कितना समझा कहाँ तक समझा उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर हमने याद रखना है, ठीक है, फैक्ट्री का नाम हमने याद रखना है, ठीक है, फैक्ट्री के जो भी कोई ऑफिसर थे जिनका नाम इसमें आया है उस नाम को हमने याद रखना है, ठीक है, और करैक्टरिस्टिक फीचर्स
देखो मैं यहाँ बात कर रही हूँ करैक्टरिस्टिक फीचर्स की। ये फीचर किसके याद करने हैं हमने? गैसेस, जो दो गैसेस हैं, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है और दूसरी क्या है, स्टाइरीन गैस है। इन दोनों के क्या है, ये फीचर्स हमने याद करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। इसके बाद हमने यहाँ से क्या याद रखना है, सिम्टम्स। सिम्टम्स जो थे, पेशेंट्स जो सिम्टम्स फील कर रहे थे, ठीक है, उनको हमने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का ये भोपाल गैस ट्रेजडी वाला जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट भी कोई अच्छा सा टॉपिक करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा MNS का एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारा नीट का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, बी कॉन्टिन्यू एंड हिट योर गोल। थैंक यू वेरी मच।